अलग होती है, और ये हो गई आपकी विपरीत करनी। कोई टेंशन ही नहीं लेनी, हाथ को ऐसे साइड में रखिए और इस तरीके से पाइल्स की समस्या से छुटकारा दिलाने में। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर की समस्या आजकल बड़ी आम है, और इसका सबसे मुख्य कारण है हमारी बदलती और बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। अगर अत्यधिक आप स्ट्रेस लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे खाने पीने का ठीक तरीके से पचना नहीं होता है, और जब ये खाना ठीक तरीके से पचता नहीं है, धीरे धीरे हम कब्ज की समस्या से परेशान होते हैं, और जब ये कब्ज की समस्या और भी ज्यादा सीवियर हो जाती है तो आगे चल के पाइल्स का रूप ले लेती है। जब पाइल्स की समस्या हो जाती है तो शुरू शुरू में तो लोग किसी से कहने में, बताने में, पूछने में बड़ी ही झिझक महसूस करते हैं, बड़ा ही संकोच महसूस करते हैं, तब तक जब तक कि उन्हें आपके गुदा द्वार में या एनल रीजन में बड़ी इरिटेशन ना हो, खुजली ना हो, या कि फिर आपके स्टूल से, आपके मल से खून आना ना दिखे, या कि फिर आपको मल त्याग करने में यानी पॉटी करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती हो, बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती हो। अब इसके होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत पुरानी कब्ज की समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या है, गैस बनती है, या क्रॉनिक डायरिया है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रम है आपको, तो इस तरीके की परेशानियों की वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। अब इसको क्योर करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज है, यानी आपकी लाइफस्टाइल यानी रहन सहन के तौर तरीके, अगर आप इसमें सुधार ले आएँ तो इसको अच्छा किया जा सकता है। तो इसको 3 स्टेप में आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला तो लाइफस्टाइल में बदलाव, दूसरा आपके खाने पीने में बदलाव ताकि आपका डाइजेशन बेहतर हो, और तीसरा उस डाइजेशन को बेहतर करने के लिए आपको जो बताए जाएंगे कुछ योगासनों के अभ्यास, उनको निरंतर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो अगर आपकी जॉब ऐसी है या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही जगह पर काफ़ी देर तक बैठे बैठे काम करते रहते हैं, या एक ही जगह पर बैठे बैठे अपना वक्त बिताते हैं, अब बहुत से ऐसे प्रोफेशन देख लीजिए ना, जैसे कि जो लोग आईटी में काम करते हैं या कि किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं, जॉब करते हैं, तो उनको एक ही जगह पर अपने कंप्यूटर पर बैठ कर, यानी जो लोग डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं, एक ही जगह पर बैठ कर कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, या कि बहुत से व्यापारी हो गए या कि ड्राइवर्स हो गए, तो ऐसे प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे पे अपना काम खत्म करके थोड़ा उठें, मूव हो, और फिर उसके बाद अपने काम को रिज्यूम करें। तो जब आप उठते हैं, थोड़ा मूव होते हैं ना, तो इससे आपका मूड भी चेंज होता है, और हमारी जो बॉडी है ना, हम इंसानों की जो बॉडी है ना, ये चलने फिरने के लिए डिज़ाइन की गई है, ये एक ही जगह पर सुस्त बैठने के लिए नहीं है। अगर आप एक ही जगह पर सुस्त बैठते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। दूसरा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे वक्त तक, 1-2 दिन तो हुआ तो कोई बात नहीं, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर हर रोज़ और बहुत हफ्ते, बहुत महीने, बहुत सालों तक टाइट कपड़ों को ही पहनते हैं तो इससे हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसमें रुकावट आती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आएगी तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरी सबसे मुख्य बात, अगर आप अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं, रात में नींद नहीं आती है आपको, तो आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप उन कारणों पे काम कीजिए। योग तो है ही आपको मदद करने के लिए स्ट्रेस से कैसे उबर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस जिस वजह से मिल रहा है, आपको उन कारणों पे ज़रूर काम करना चाहिए। अगर आपकी नींद गहरी प्रॉपर नहीं है तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। रात में सोने से पहले अपने सारे गैजेट, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वक्त से सो जाइए। कम से कम आप लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आप अपना स्लीपिंग टाइम सेट कीजिए, और सुबह जितना हो सके जल्दी से जल्दी उठ के योग का अभ्यास कीजिए। अगर आपके स्लीप साइकिल में कोई भी गड़बड़ी है तो यकीन मानिए आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी भी सही नहीं हो सकती है।
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि पानी जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पीते हैं, ध्यान दीजिए पानी एक्सेसिव भी नहीं पीना है लेकिन इतना भी नहीं कम पीना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आप क्या कीजिए कि दिन भर में प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए। जब भी आपको प्यास लगे भर पेट पानी पीजिए। और इसके अलावा बहुत सी लिक्विड डाइट भी आप ले सकते हैं, जैसे कि बीच बीच में आपने नींबू पानी पी लिया, छाछ पी लिया, नारियल पानी पी लिया, दही खा ली, इससे भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आप जिम जाते हैं ना, या कि अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत हैवी वेट उठाना पड़ता है, तो इन प्रैक्टिसेस से बचिए। बहुत ज़्यादा हैवी वेट मत उठाइए और बहुत रिग्रस और बहुत एक्टिव एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ डाइटरी जो चेंजेस करेंगे आप वो क्या क्या हैं। आपके खाने में फाइबर उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। अब फाइबर कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे मल को, हमारे स्टूल को और सॉफ्ट करते हैं और उसको इजीली हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे एलिमिनेट होने में, बाहर निकलने में बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत से तो आपका आटा हो गया, चावल हो गया, साथ ही राजमा हो गया, ओट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गोभी हैं, कॉलीफ्लावर हैं, आपके सेब हो गया, अंगूर हो गया, ऐसी ऐसी कीवी हो गए, तो ऐसे फलों को ज़रूर इंक्लूड करें। साथ ही केला ज़रूर खाएं, इससे आपके स्टूल और भी ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और ये आपके मल को त्याग करने में मदद मिले। अब तीसरा जो उपाय है वो हम बढ़ेंगे योगासनों के अभ्यास की तरफ। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर चैनल में नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसके पहले कि आप चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। और अगर आप नीचे कमेंट छोड़ देंगे या मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब करते हैं उन योगासनों के अभ्यास जो पाइल से छुटकारा पाने में बड़े ही मददगार होंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अश्विनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, घोड़े को कहते हैं और घोड़े की ताकत से तो हम सभी वाकिफ ही हैं ना। अब घोड़ा जब मल त्याग कर देता है तो उसके बाद वो अपने एनल रीजन को, गुदा द्वार को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, फिर उसके बाद उसको रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर उसको रिलीज कर देता है मल को त्याग करने के बाद। अब उसी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ध्यान अपने एनल रीजन पर यानी गुदा द्वार पर लेके जाना है और गुदा द्वार पर लेके जाएंगे जहाँ से स्टूल पास करते हैं, जहाँ से पॉटी करते हैं, उसी जगह पर अपने ध्यान लेके जाएं और उसके बाद उस जगह को अंदर की तरफ पुल करें और फिर उसको ढीला छोड़ दें। उस जगह को अंदर की तरफ पुल करें और उसको ढीला छोड़ दें। तो इस मुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं ना, तो आपके एनल रीजन के आसपास, आपके रेक्टम के आसपास जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है और कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज हो उसमें अश्विनी मुद्रा का लगातार अभ्यास करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप कैसे करेंगे? इस तरीके से सुख आसन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएंगे। अब बहुत से लोग अगर ऐसे ज़मीन पर ना बैठ पाएँ तो वो कुर्सी में बैठ जाएं आराम से। आप योगा ब्लॉक का इस्तेमाल इस तरीके से अपने घुटनों के नीचे कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक ना हो तो आपके घर पे तकिया तो ज़रूर होगी, दो या तीन तकिया, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस तरीके से रख लें। क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठ जाएँ और फिर उसके बाद अपने एनल रीजन पर ध्यान लेके जाएं। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें, अपने अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ इस तरीके से लगा लें, बाकी की तीन उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे, आंख बंद कर लीजिए और अपने एनल रीजन को अंदर की तरफ पुल कीजिए, फिर रिलीज़ कीजिए, अंदर की तरफ पुल कीजिए और रिलीज़ कीजिए। तो इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। जब योगा ब्लॉक का अगर आपको इस्तेमाल ना करना हो तो उसको साइड में रख दीजिए, आराम से पालती मार के बैठ गए हैं, अंदर की तरफ पुल कीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, अंदर की तरफ पुल कीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। अब आराम से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ के तो हमने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर लिया, अब हम इसका अभ्यास
मलासन में भी करेंगे। मलासन का जब आप अभ्यास करेंगे तो आराम से स्क्वाटिंग पोजीशन पर, इसको बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे गर्लैंड पोज मलासन के नाम से, या कि एशियन स्क्वाट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरीके से बैठ के अपने मल का त्याग करते हैं। तो इस तरीके से अपने घुटनों को मोड़ते हुए आराम से बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स को इन कर लें और दोनों घुटनों को बाहर की तरफ रखें। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी जब नी को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं तो आपके हिप रीजन के अराउंड और भी ज़्यादा एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपका पेट जो है आगे की तरफ है, पेट जो है आगे की तरफ है और दोनों तरफ की जो आते हैं के जांग से आपकी थाई से इस तरीके से दबाव पड़ रहा है। रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी है, ऐसे झुकी हुई नहीं है, रीढ़ की हड्डी सीधी है और फिर थाई से पेट के दोनों साइड दबाव पड़ रहा है और दोनों घुटनों को बाहर की तरफ ऐसे पुश करेंगे और फिर उसके बाद चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे छाती के सामने जोड़ लें, चेस्ट के सामने जोड़ लें, या कि फिर दोनों हाथों को इस तरीके से आराम से योगा मैट पर रख के कम से कम इस प्रैक्टिस को 5 से 10 मिनट आप हर रोज़ कीजिए। अब बहुत से लोगों को ऐसे तो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना बड़ा ही मुश्किल होगा। पहली बात तो हिप जॉइंट्स बहुत टाइट हैं, दूसरी बात घुटने में दर्द है, तीसरी बात एंकल्स मजबूत नहीं हैं और चौथी बात कोई भी हो सकती है ना, हर एक तरीके के इंसान हैं। तो फिर से हम योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो इस अभ्यास को करने के लिए आपके घर पे छोटे छोटे स्टूल होंगे, टेबल होंगी, जो जिनको नॉर्मली आप किचन में या वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं बैठ के नहाने के लिए या काम करने के लिए, तो इस तरीके से आप स्क्वाटिंग पोजीशन पे इस तरीके से बैठने की आदत डाला करें और फिर उसके बाद आराम से मलासन में बैठ गए। अब स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठे बैठे आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको डबल बेनिफिट हुआ। एक तो मलासन का बेनिफिट हुआ ही हुआ, साथ ही आपको अश्विनी मुद्रा का भी बेनिफिट मिल गया। तो आप ऐसे मलासन में बैठे हुए एनल रीजन पर ध्यान लेके गए और अपने एनल रीजन को अंदर की तरफ पुल किया, रिलीज कर दिया, पुल किया, रिलीज कर दिया, पुल किया और रिलीज कर दिया। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो 5 से 10 मिनट आप मलासन में बैठे हुए हैं आराम से और आराम से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप लगातार कर रहे हैं विद नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर उसके बाद पैरों को खोलकर स्ट्रेच कर लें अपनी बॉडी के सामने। अब हम जो अगला आसन कर रहे हैं इसका नाम है सीटेड फॉरवर्ड बेंड या पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। तो इस अभ्यास से आपकी पूरी की पूरी एब्डोमिनल मसल्स पर हल्का दबाव पड़ेगा और इस दबाव से ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी मसाज होगी, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो है बेहतर होगा। जो भी व्यक्ति इस आसन का अभ्यास हर दिन 5 मिनट कर लेना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त होगा ही होगा, साथ ही पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी गजब की डेवलप हो जाएगी। अब इस क्या करें, अपने दोनों एड़ियों को और अंगूठों को जोड़ लें और दोनों हाथों को क्या करें कि धीरे धीरे आप ऊपर उठाएं, इस तरीके से थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन हो जाएं, झुक जाएं और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने की तरफ देखते हुए अपना ध्यान अपने तुरंत नाभि पर ले आएं, ठीक है ना, नाभि पर ले आएं, नेवल रीजन पर ले आएं और फिर हाथ को आगे की तरफ ही खींचते हुए धीरे 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 जब आप सामने की तरफ झुकेंगे ना, तो क्या होगा कि आपके पेट पर बड़ा ही ज़बरदस्त आपकी थाई की मदद से दबाव पड़ने वाला है और फिर उसके बाद ऐसे अपने अंगूठों को पकड़ लें और फिर उसके बाद धीरे 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 पूरी लोअर बैक पर ध्यान दें और फिर उसके बाद अपने माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं, ऐसे हेड डाउन कर लें इस तरीके से। अब बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना नीचे झुक जाएं इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे कि जहां तक आपका हाथ पहुंचे, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ अपने हाथ को खींचते हुए यहां तक अगर आपका हाथ पहुंच रहा है, ये देखें कि आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है या नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमारे पेट पर दबाव पड़े। तो थाई का दबाव जैसे ही पेट पर पड़ने लगे, वहाँ तक अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक रखें, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक रखें और अगर आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो अंगूठे को पकड़े और फिर उसके बाद जितना हो सके आगे की तरफ इस तरीके से झुकने की कोशिश करें। तो इसका अभ्यास 30 सेकेंड या 1 मिनट के 3 सेट कर लें और जैसे जैसे आप थोड़ा और बेटर महसूस करते जाएं, अपने अभ्यास का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते जाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये सारे अभ्यास करें।
अगला अभ्यास करेंगे जो कि हमारी पूरी की पूरी आंत को, हमारी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन को बहुत अच्छी तरीके से ट्विस्ट करेगा। जैसे आप कपड़ा निचोड़ के पानी सारा निकाल देते हैं ना तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, उसी तरीके से इस अभ्यास से पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा एक ट्विस्ट आएगा जो कि इम्प्रूव करेगा आपकी डाइजेस्टिव फायर को। अब हम अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन का, तो चलिए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ लिया है। अब लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को ही बॉडी के मैंने पीछे रख लिया इस तरीके से, और फिर उसके बाद अपने राइट हाथ को छत की तरफ खींचेंगे। और जैसे ही आप छत की तरफ खींचेंगे ना तो इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड और अच्छी तरीके से खींच जाएगी, लेंथन हो जाएगी ऐसे। और थोड़ा सा पीछे वाले हाथ को ऐसे बेंड करते हुए और आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर के एंकल को इस तरीके से राइट हाथ की मदद से पकड़ लेना है और फिर चेहरे को घुमा देना है अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ और पूरा पीछे देखना है ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, 30 सेकेंड से एक मिनट रुकना है और 3 बार अभ्यास करना है इस तरीके से। अब बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि अपनी एंकल को पकड़ लें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो एक दिन में डेवलप नहीं होती ना। तो अब क्या करेंगे आप, आसान बनाने के लिए अपने लेफ्ट घुटने को ऐसे पकड़ें राइट हथेली की मदद से और इसको पुल करें, लेफ्ट घुटने को अपने राइट कंधे की तरफ ऐसे पुल करें और पीछे देखें ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग करते रहें, पीछे देखते रहें, ब्रीदिंग करते रहें और पीछे देखते रहें इस तरीके से। तो देखा ना किसी आसन को हल्के सी मॉडिफिकेशन से कितना आसान बनाया जा सकता है। अब इसी तरीके से जब आप एक साइड अभ्यास कर लें तो इसी अभ्यास को दूसरी तरफ भी करना बेहद ज़रूरी है। तो अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लें और उसके बाद अपने जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखें, फिर उसके बाद लेफ्ट हाथ को उठाया, लेंथन किया और फिर पीछे की तरफ झुकते हुए अपने राइट एंकल को पकड़ लिया और चेहरे को घुमा दिया पीछे की तरफ, पूरा पीछे देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। जो ये ना कर पाए तो अपनी घुटने को शोल्डर की तरफ पुल करें ऐसे और फिर रेस्ट करें। अब अगला जो आसन का अभ्यास मैं आपको बता रही हूं ये तो बहुत आसान, लेकिन यकीन मानिए इसके बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव यानी लाभकारी प्रभाव आपको पाइल्स की समस्या में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट आपका ब्लड फ्लो आपके पैर से अपर बॉडी की तरफ हो रहा है या आपकी यानी आपके एनल रीजन की तरफ ऑपोजिट ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा पाइल्स को क्योर करने में आप कर सकते हैं। अभ्यास कर रहे हैं विपरीत करनी का और विपरीत करनी में भी हम अश्विनी मुद्रा लगाएंगे। तो आराम से इस पोस्चर का अभ्यास करने के लिए आप योगा मैट पर ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद फिर क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों का सहारा लेंगे ऐसे, दोनों आराम से लेट गए और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को आपने ऐसे 90 डिग्री उठाया और 90 डिग्री उठाने के बाद धीरे से अपनी कमर को उठाएं और कमर को उठाने के बाद ऐसे इस तरीके से कमर को उठाने के बाद हल्का सा अपनी कमर को नीचे की तरफ ही रखें। सर्वांगासन नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए, सर्वांगासन ना करके इस तरीके से आराम से अपने कमर को उठा के रखिए। इस तरीके से ब्रीद करें, ब्रीद करें। अब अगर कमर को उठाना आप 10 सेकेंड कर सकते हैं तो 10 सेकेंड करें, 30 सेकेंड उठा सकते हैं तो 30 सेकेंड करें, 1 मिनट उठा सकते हैं तो 1 मिनट उठाएं और 3 बार इसको रिपीट करें। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है, आराम से आप इस तरीके से विपरीत करनी में आ गए और फिर अपने एनल रीजन पर ध्यान लेके जाइए और हल्का सा गुदा द्वार को अंदर खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। तो जब आप इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं यानी जिसमें आपका सर नीचे पैर ऊपर की तरफ होता है और उसमें आप इस तरीके से अश्विनी मुद्रा लगाते हैं तो कंट्रोल और अधिक बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो ऊपर से यानी कि आपके डाउन से अप की तरफ आता है यानी ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट। अब देखिए बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिनको अपनी कमर को उठाने में बड़ी दिक्कत आएगी, अपने कमर को उठा के अपनी बॉडी का वेट अपने हाथों पर लेने में बड़ी दिक्कत आएगी और उसको
5 से 10 सेकंड या 1 मिनट तक रोकना तो बहुत दूर की बात है, वो कमर उठ जाए यही बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसके लिए मैं हूँ ना आपके आसन को आसान करने के लिए। आप क्या करेंगे, आपको या तो दो मोटी तकिया ले लेनी है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो मेरे पास यहाँ पर एक योगा ब्लॉक है, मैं क्या करूँगी, मैं योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करूँगी। तो आराम से ऐसे लेट जाएंगे अपनी योगा मैट पर और फिर उसके बाद अपनी योगा ब्लॉक को ले लेंगे। योगा ब्लॉक को ऐसे कमर के ऊपर नीचे हल्का सा ऐसे रख लिया और फिर धीरे से अपने पैर को ऐसे उठा लिया। देखा कितना आसान है इस तरीके से। अगर आपको हाइट कम लग रही है तो हल्का सा अपने पैर को उठा, अपनी कमर को ऐसे उठाते हुए अपनी ऐसे, बहुत ज़्यादा आप हाइट का ध्यान रखें क्योंकि हर किसी के घर पे तकिए की हाइट जो है वो अलग अलग होती है। और ये हो गई आपकी विपरीत करनी। आराम से इस तरीके से आपने विपरीत करनी का अभ्यास कर लिया, ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो जो है आपकी बॉडी की तरफ, अपर बॉडी की तरफ हो रहा है। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी, हाथ को ऐसे साइड में रखिए और इसका अभ्यास, अगर आपको पाइल्स की में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या करें कि इसको कम से कम 5 मिनट तो अभ्यास ज़रूर कर लिया करें। इसको और आसान बनाने के लिए मैं आपको एक और टिप्स बता रही हूँ कि ऐसे अपनी कमर को आपने, अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे लगा लिया ऐसे, और दोनों पैरों को दीवार पर रख दिया इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखा आपने, आपको कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली आपकी लाइक एनल रीजन की तरफ फ्लो हो रहा है जो कि बहुत मदद करेगा आपके पाइल्स की समस्या से छुटकारा दिलाने में। अपनी तकिया को हटा लें और फिर उसके बाद आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं, रेस्ट करें। 5 से 10 मिनट रेस्ट ज़रूर करिएगा क्योंकि मैंने बताया था शुरू में ही कि रेस्ट और रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिखाए कुछ योगासनों के अभ्यास। अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है ताकि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आसानी से मेरे साथ जुड़ के योगा अभ्यास कर सकें। इन क्लासेस में आपको क्या सिखाया जाता है, इन क्लासेस में आपको अलग अलग तरीके के योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन यानी ध्यान की टेक्निक, साथ ही आपको क्लिंजिंग टेक्निक और लाइफस्टाइल को बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं उसके लिए टिप्स, साथ ही आपको डाइट के बारे में भी गाइड किया जाता है। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप बिगनर हों या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हों, या आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, पीसीओडी की समस्या, अत्यधिक स्ट्रेस का होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या, रात में नींद ना आने की समस्या, साथ ही अगर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हैं। आज इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स की हेल्थ कंडीशन में सुधार तो आई ही आई है, साथ ही उनकी लाइफ में भी बहुत से पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर किसी कारण से आप इन क्लासेस को जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपकी सहूलियत के लिए कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं, चाहे वो योगा फॉर बिगनर्स के कोर्स हों, चाहे वो प्राणायाम और मेडिटेशन के कोर्स हों, और इन कोर्सेज को भी डेवलप करते हुए मैंने कंप्लीट बिगनर्स को ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें सिखाई हैं। इन कोर्सेज को जब आप परचेज कर लेते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी वक्त, कहीं भी, कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करें और उसके बाद अपने योग का अभ्यास करना शुरू कर दें। एक बार कोर्स परचेज करने के बाद आपके पास पूरी ज़िंदगी भर इन कोर्सेज को एक्सेस करने की वैलिडिटी होती है। साथ ही जब आप इन कोर्सेज को कम्प्लीट कर लेते हैं तो कोर्स के कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। अगर आप इन कोर्सेज और क्लासेस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ जो कि है www.yogawithshahida.com। अगर आप किसी कारण से वेबसाइट नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको कोर्स और क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए। तुरंत वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक व्हाट्सएप कीजिए।
तो दोस्तों ये तो थी मेरी छोटी सी कोशिश, मैंने आपको बताए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ डाइटरी चेंजेस और स्टेप बाय स्टेप इन योगासनों के अभ्यास। आशा करती हूँ आपको सारे के सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप आसानी से अपने घर के कंफर्ट में रह के इन योगाभ्यासों को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर होनी चाहिए। क्योंकि ये चैनल आपका है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बना के। जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके पहले कि आप भूल जाएँ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा तो आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप कीजिए, चाहे जिस तरीके से भेजना है आप ज़रूर भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते।